यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। तुम दर्शक वाले हैं जीटी होते। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो सर आप लोगों को तो पता होगा एक सर डेल ने अपनी जो गाड़ी थी ना, वो सर बिच्छू गैंग के बॉस को बेच दी थी। अब सर मैंने बिच्छू गैंग के बॉस से बात करी, अब सर वो जो बॉस था ना, वो मेरे से ये बोल रहा था, या तो तुम मेरे लिए काम करो या अपनी गाड़ी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। अब सर ऐसा हो नहीं सकता था कि सर मैं अपनी गाड़ी को भूल जाऊं, क्योंकि सर वो जो गाड़ी थी ना, वो पूरे सैन एंड्रियास में एक ही गाड़ी थी, और सर 180 मिलियन डॉलर की वो जो गाड़ी थी। इसलिए सर बिच्छू गैंग का जो बॉस था, वो मेरे से ये बोल रहा था कि तुम्हें मेरे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और वो जो काम था ना, वो ये था कि गजर अभी ने एक एल रूबियो बंदा था, गजर काफी था बड़े माफिया था, गजर उसके टापू पे जाके मेरे को जो रूबी जो डायमंड था ना, वो चुरा के लाके देना था उस बंदे को, मतलब बिच्छू गैंग के बॉस को। अब गजर इसलिए मैं जो लेसर के पास गया था। अब लेसर ने तो साफ मना कर दिया था, लेसर ने साफ बोल दिया था कि भाई मैं इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि गजर लेसर खुद जानता था कि गजर ये जो एल रूबियो बंदा ना, ये गजर काफी था खतरनाक बंदा है। इसलिए गजर लेसर ने तो साफ मना कर दिया। इसलिए गजर बिच्छू गैंग का जो बॉस था, वो मेरे से ये बोल रहा था, मैं एक बंदे के बारे में जानता हूं जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है उस टापू पर जाने के लिए। अब गजर मैं उसी बंदे के पास गया था, वो एक सबमरीन के अंदर रहता था। अब गजर उस बंदे से गजर मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी, वो भी एल रूबियो के बारे में। इसलिए गजर मैं उसकी गाड़ी से गजर सीधा जो है उसके टापू पे गया था, मतलब एल रूबियो के टापू पे गया था, और वहां पर जाकर गजर मैंने जो डायमंड था ना, वो चुरा लिया था। अब गजर अभी आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, गजर यहां पर वो जो डायमंड है ना, वो गजर मैंने रख लिया अपने घर पे। अब गजर मैं जो बिच्छू गैंग के पास तभी जाऊंगा जब वो खुद से कॉल करेगा, मैं उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो कोई नहीं, गजर अपनी गाड़ी को उठाता हूं, और गजर अभी मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए निकल रहा हूं, क्योंकि गजर आप लोगों को पता होगा गजर काफी महीनों पहले गजर हमने गजर एक बीन मशीन का रेस्टोरेंट खोला था, आप लोगों को याद होगा। बट कोई नहीं, गजर वो देखना पड़ेगा भाई चल भी रहा नहीं चल रहा, क्योंकि गजर अब अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहा है। जितना गजर बिजनेस पे ध्यान देगा ना, उतना गजर हमारे लिए प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि गजर आप लोगों को पता होगा गजर अपना जो शोरूम है वो तो काफी बढ़िया चल रहा है, लेकिन गजर अपना जो रेस्टोरेंट है ना, वो गजर बिल्कुल ही मंदा चल रहा है। पता नहीं गजर उसको जो मैनेजर है वो कहां पर है, और भाई वो तो कॉल वॉल भी नहीं करता है, पता नहीं क्या सीन है गजर। मेरा भी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया था अपने रेस्टोरेंट पे, एक बार चल कर देख लेते हैं। तो भाई अगर आपके चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर 1500 लाइक कर तो भाई पूरा करा देना, और गजर अभी तक सेकंड चैनल चेकआउट नहीं करता आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जगह चेकआउट कर सकते हो उस पर जीटी हॉटल चलता हूँ, और गजर मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल भूलना। तो जैसे निकलता हूं मैं गजर अपने रेस्टोरेंट के लिए, सो ओके जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो, तो गजर यहां पर गाड़ी को भगा सीधा गजर जो है अपने रेस्टोरेंट पहुंचने वाला हूं, मतलब गजर अपने बीन मशीन पहुंचने वाला हूं। और यहां पर भाई साहब ट्रैफिक कितना ज्यादा हो रखा है ना, और गजर यहां पर मैं काफी दिनों बाद आ रहा हूं, भाई दिनों नहीं कम से कम महीने हो चुके होंगे। तो कोई नहीं, आई थिंक गजर गाड़ी को जो मैं यहीं पर लगाता हूं साइड में, क्योंकि यहां पर कुछ पता नहीं भाई कब हमारे कब गाड़ी को उठा के ले जाए। तो कैसे यहां पर मैं अपनी गाड़ी को जैसे लगाता हूं, बाकी अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे भाई कितने ज्यादा दिन हो चुके हैं, भाई मैं इस पर आया नहीं था, भाई सब बाहर खड़े होकर भाई कॉफी वॉफी मार रहे हैं, भाई अंदर से मारो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गजर ये भी पूछना पड़ेगा इस बंदे से, मतलब गजर यहां के मैनेजर से, भाई प्रॉफिट कितना हुआ भाई, हमको तो बताता नहीं है, सारा का सारा पैसा भाई कहां जा कर रहा है भाई। यहां पर काफी सारे बंदे अंदर बैठे हुए, मतलब अगर ये सीन है शोरूम, तो मतलब अगर ये जो रेस्टोरेंट है चल तो काफी बढ़िया रहा है इसका, मतलब बंदे बंदे बैठे हुए हैं। तो कोई नहीं, आई थिंक अगर इसके अंदर जो है मैनेजर होना चाहिए, मैनेजर से डायरेक्ट बात करेंगे। ओके भाई लो, भाई यहां पर कोई भी नहीं है, ऊपर की तरफ जैसे चल के देखते क्या पता अगर ऊपर ही हो, बाकी तो यहां पर अच्छा खासा यहां पर बंदे बंदे कॉफी मार रहे हैं, मैं भी कहते कॉफी तो मार के जाऊं भाई, कैसी कॉफी बनाते हैं यहां पर मेरे को भी तो पता चले भाई, अपना खुद का रेस्टोरेंट है और यहां पर मैंने आज तक खाना नहीं खाया है, मतलब भाई क्या सीन रखा है। तो कोई नहीं, ऊपर की तरफ लोग है, ये रहा बंदा, इससे जल्द से बात कर लेता हूं, और भाई ये किससे बात करने में लग रहा है। सो कैसे यहां पर मेरी मैनेजर से बात हो चुकी है, ये जो मैनेजर है ना, ये बोल रहे हैं कभी कभी तो गजर ये जो रेस्टोरेंट है काफी बढ़िया चलता है, लेकिन गजर कभी कभी ऐसे दिन आते हैं भाई एक बंदा तक नहीं आता, और गजर मैंने से पूछा भाई इतने दिनों से सारा का सारा पैसा वो कहां पर है। अब गजर ये बंदा बोल रहा है कि सारा का सारा जो पैसा वो लॉकर में सेव करके रख रखा है, मैंने से बोल दिया जितनी जल्दी हो सकता है अपने बैंक में ट्रांसफर कर दियो, मतलब मेरे बैंक में ट्रांसफर करवा दियो। बट कोई नहीं, आप पूछना अभी मेरे पास सिम्योन की कॉल आई थी, अब सिम्योन मेरे को तुरंत की तुरंत ही अपने शोरूम के अंदर बुला रहा है, मतलब उसका शोरूम तो नहीं है गजर, उसकी एक तरह से डीलरशिप है, एक बार चेक के देख लेते हैं क्या ही बताना चाह रहे हैं सिम्योन। बाकी सिम्योन की इतने दिनों बाद कॉल आई थी ना, लास्ट टाइम गजर हमने सिम्योन को बचाया था, मतलब एक बंदा गजर सीन क्या हुआ था, गजर किसी बंदे ने गाड़ी चोरी करके उसके शोरूम के बाहर खड़ी कर दी थी, और भाई पुलिस वाले सिम्योन को पकड़ के लेके जा चुके थे, वो तो अच्छा हो गया सर हमने जो सिम्योन को छुड़ा दिया लमार की हेल्प से। बट कोई नहीं, चल के देख लेते हैं सिम्योन क्या ही बताना चाह रहा है। गजर गाड़ी को मैं काफी तेजी में जब भगाने वाला हूँ, सो कैसे यहाँ पर अपनी गाड़ी को भगा दूँ, सीधा गजर मुझे सिम्योन की शॉप पहुंचने वाला, बस अपने को जो यहाँ से राइट की तरफ लेना है, और गजर जो सिम्योन का शोरूम है, मतलब गजर डीलरशिप है, वो आ जाएगी। बाकी ऐसे गाड़ी को जो मैं यहीं पर लगा दूँ जल्द से, और सामने की तरफ जो है वो मेरे को सिम्योन दिख चुका है, और साथ में गजर ग्रीन गैंग के बंदे भी हैं, पता नहीं गजर क्या ही बात बताना चाह रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं गजर यहाँ पर सिम्योन से, और देखते हैं क्या सीन है। सो कैसे यहाँ पर मेरी सिम्योन से बात हो चुकी है, अब गजर सिम्योन तो ये बोल रहा है कि सर वैसे अपने धंधा जो इतना मंदा चल रहा है, और सामने तरफ गजर किसी बंदे ने अपना शोरूम खोल लिया है। गजर आप लोग वैपिड गजर ये शोरूम देख पा रहे,
मन लगा था लॉस सैंटोस का डीलरशिप लग रहा है, एक बार चल के देख लेते हैं। और कहते सिमियन ये बोल रहा है कि अगर तुमने इस बारे में कुछ नहीं किया ना तो कहते यहाँ पर इस बंदे को मार देगा, मतलब मार के देगा, एक बार चल के देख लेते। ये बंदा कौन है भाई? गजर ऐसे कैसे हिम्मत हो गई भाई साहब, मतलब भाई सिमियन के शोरूम के सामने अपना शोरूम खोल लिया है। तो कोई नहीं, एक बार जो अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगा दो जल्द से, बाकी इसके पास भाई हमारे टाइप की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो कोई नहीं, अंदर की तरफ जल्द से निकलता हूँ भाई। लॉस सैंटोस का वैपिड शोरूम भाई, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ उसको भाई। ओपन अभी हुआ है कि नए नए, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है। तो कोई नहीं, यहाँ पर जैसे अंदर की तरफ निकलते हैं और देखते हैं तो भाई सब कौन सा ये सब बंदा आ गया जिसने कहा सर अपने यहाँ पर शोरूम खोल लिया है। भाई इसके पास गाड़ी तो है नहीं भाई, ट्रक वर्क भर रखे हैं, ट्रक भी है सर, आग की तरफ मस्टैंग गाड़ी खड़ी है। और कैसे आग की तरफ ये वाली जो गाड़ी है कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही ना, ओ भाई 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 मजा आ गया इस गाड़ी को देख के मैं तो। बट कोई नहीं, देखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ का जो मैनेजर है ना वो किधर की तरफ यहाँ को मैनेज कौन कर रहा है भाई, एक बार चल के देख लेते हैं भाई सब। शोरूम तो छोटा सा है लेकिन काफी ज्यादा बढ़िया, पीछे की तरफ कैसे गैरेज दे रखा है। तो कोई नहीं, गैरेज में बाद में आएंगे। बाकी गाइजर गाड़ी जो है भाई सब काफी बड़े बड़े ला रखे हैं। तभी गजर जो सिमियन ना वो चिड़ रहा है इससे, क्योंकि सिमियन के शोरूम भाई जब से ही खुला है ना, सिमियन बोला भाई मेरी बिक्री हो नहीं रही है और इस बंदे की बिक्री इतनी ज्यादा हो रही है। बट कोई नहीं, देखना पड़ेगा। ओ एक सेकंड, ओ भाई यार ये तो अंडर वाटर माफिया यार। गजर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, गजर ये तो अंडर वाटर माफिया है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? ये इसने नया शोरूम खोल लिया है क्या? पता नहीं कैसे किसी बंदे से, मतलब कैसे किसी लड़की से बात करने में लग रहा है भाई। सभी अंडर वाटर माफिया भाई पिटेगा, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है। मतलब भाई पता नहीं क्या ही करना चाह रहा है, अपने शोरूम खोल गए भाई, मैं इससे बिल्कुल भी अब मिलना नहीं चाहता। वैसे कैसे सिमियन ने दिमाग खराब कर दिया है, सिमियन ये बोल रहा है अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो कैसे यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। कैसे ग्रीन गैंग के बंदे आप लोगों ने देखे थे ना, वो कैसे सिमियन ने इसलिए बुलाए थे, पता नहीं कैसे क्या ही सीन है। अब कैसे यहाँ पर अपनी गाड़ी को उठाता हूँ भाई, दोबारा सिमियन से बात करनी पड़ेगी। सिमियन से बोलता हूँ कि भाई बात ऐसी है भाई साहब, तू अपने शोरूम में ध्यान दे यार, तू उसके शोरूम में क्यों ध्यान दे रहा है? अगर तू अच्छी अच्छी गाड़ी लाएगा तो भाई साहब तेरे शोरूम में से बिक्री होगी। बट कोई नहीं कहते, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे भाई साहब कैसे चूरन चूरन सी गाड़ी ला रखी है और अंडर वाटर माफिया ने काफी तगड़ी तगड़ी हमर टाइप की गाड़ियां ला रखी है। तो कहते उसका जो बिजनेस है काफी बढ़िया चल रहा है। अब कहते अंडर वाटर माफिया का मन है भाई साहब शोरूम खोलने का, तो भाई मैं उससे मना क्यों करूँ भाई, अपना इतना अच्छा खासा दोस्त है। बट कोई नहीं कहते, यहाँ पर सिमियन से बात कर लेता हूँ। तो कैसे यहाँ पर मेरे सिमियन से बात हो चुकी है। अब कहते सिमियन बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं हो रहा है। सिमियन बोल रहा है अगर इसने आज के दिन गजर अपना जो डीलरशिप है बंद नहीं करना तो भाई ये जो है गिरिंग गैंग के बंदों को भेज पे गजर इसके ऊपर अटैक करवा सकता है। मैंने तो बोल दिया भाई जो मर्जी हो वो कर भाई, मैं इस लफड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता। तो कोई नहीं गजर, अब इन पर बिच्छू गैंग के बॉस से बुलाई है और वो मेरे को तुरंत के तुरंत ही गजर अपने जो है मेंशन के अंदर बुला रहा। वो बोला जैसे जो स्टैचू है ना वो लेके आ जाओ, अभी गजर सीधा घर के लिए निकलते हैं। और कैसे वो जो स्टैचू है ना वो लेके सीधा जो है मैं कहते बिच्छू गैंग के बॉस के पास निकल जाऊंगा। वैसे आप लोगों को पता होगा अपनी गाड़ी लेके आएंगे भाई, इतनी ज्यादा तगड़ी गाड़ी थी गजर, काफी दिनों से भाई अपनी जो गाड़ी थी उसके पास ही खड़ी थी भाई साहब। हिम्मत तो काफी बढ़ चुकी उसकी, उसका भी कहते मुंह तोड़ना पड़ेगा। बट कैसे उसकी गलती क्या है, उसने तो कहते डेल से खरीदी है, सारी गलती तो डेल की थी। सो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, मैं अपनी गाड़ी को भगा दूंगा सीधे कैसे भी है बिच्छू गैंग के पास पहुंच चुका। ओ भाई एक सेकंड भाई साहब, अभी भाई बच गया। और जैसे मैं अपने घर से होकर आ चुका और सा आप लोग बैग में देख पा रहे, सीधा अंदर की तरफ निकलते हैं। और कैसे आज इसके चेहरे ने भाई मेरे ऊपर एम क्यों करके रख रखा भाई, मैंने कहा सर्वर फाड़ दूंगा। बट को यहाँ पर जैसे बात कर लेता हूँ, सो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सर, जैसा मैंने सोचा था वैसे अब गजर इसने मेरी सारी सारी जो गन्स है ना वो रख लिए, पता नहीं कैसे क्या ही सीन है। जी तो गजर गजर यहाँ पर जो ना इनके मुंह के ऊपर घुट पे घुट बजाए चले जाओ। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, गजर यहाँ पर जो सीधा गजर इस बंदे को जो है इसका स्टैचू देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। भाई एक सेकंड, ये बंदा बंदे कैसे मरे पड़े भाई, धूप से मुझे लग रहा बेहोश बेहोश हो गए होंगे। मैं क्या सुन चला एक सेकंड, मैं फिसल विसल कैसे रहो भाई, क्या सुन रखा भाई, धूप में खड़े हुए हैं भाई, मुझे क्या लग रहा भाई सर्वर चक्कर आ रहा होगा इनका। तो कोई नहीं कहा जैसे आग के तो निकलता हूँ, एक बंदे रहा भाई एम करके बैठे हुए, आज तो मेरे को कुछ अजीब ही सीन लग रहा है, पता नहीं क्या सीन है। बट को नहीं भाई एम एम क्यों ही कर रखा भाई, मैं तो गजर स्टैचू लेके आया हूँ। गजर ये रहा इसका बहुत जल्द से बात कर लेते हैं। भाई साहब यहाँ पर धूप सेक रहा है और इसके जो चेले भाई साहब वो गजर धूप के मारे गिर रहे हैं। सो क्या यहाँ पर मेरे बिच्छू गैंग के बॉस से बात हो चुकी है। अब गजर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, सो गजर ये जो डायमंड का स्टैचू है ये गजर इसके चेले चेक कर रहे हैं, ये देख रहे हैं गजर नकली वकली तो नहीं है ना। अबे भाई नकली वकली दूंगा क्या, कैसी बातें कर रहे हो। बट कोई नहीं, यहाँ पर जो ये बंदा बोला कि बाहर की तरफ तुम्हारी गाड़ी खड़ी हो गई तुम जाके ले सकते हो। और ये बंदा भाई ये भी मर गया भाई, एक सेकंड गजर कुछ ना कुछ तो गलत सीन लग रहा है मेरे को। भाई दो दो तीन तीन बंदे गिर गिर के मर गए भाई साहब, मुझे क्या लग रहा है भाई चक्कर वक्कर आ रहे होंगे इनको। और भाई वो भी मर गए भाई, मरे गिरे भाई मेरे को कुछ आइडिया नहीं है भाई। यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है इनकी धूप से हालत खराब हो रखी है। तो कोई नहीं, अपन लोग जैसे निकलते हैं क्योंकि अपन लोगों का काम यहाँ पर हो चुका है, सीधा गाड़ी को उठाएंगे और घर के लिए निकल जाएंगे। और कैसे ये जो गाड़ी ने कहा सर मैं जो काफी सेफ जगह पर खड़ी करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ कैसे इसके साथ ना सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगवाते हैं गाड़ी साथ में। लोग अगर अपनी जो गाड़ी है वो ये खड़ी हुई है भाई सब, क्या तगड़ी गाड़ी है ना,
भाई सब। वैसे आप लोगों ने एक बार नोटिस नहीं करी होगी तो कैसे इस गाड़ी के जो ऊपर है ना वो कैसे अपने लोगो बन रहा है, साइबर पंक के ऊपर लिखा हुआ है। तो कोई नहीं, कैसे यहाँ पर इसको जैसे पकाते हैं और कैसे क्या ही तगड़ा साउंड आ रहा है। और कैसे यहाँ पर मेरी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हुई है तो कोई नहीं, कैसे इसे ना मैं किसी न किसी से बोल कर कैसे यहाँ से उठवा लूँगा। तो कोई नहीं, कैसे यहाँ पर जैसे गाड़ी को पकाते हैं और कैसे ये जो गाड़ी, ओ भाई आराम से, अब अंधा अंधा है क्या जब दिख रही, ओ भाई भाई कैसे चला रहे हैं भाई यहाँ के लोग, आराम से भाई सब गाड़ी भगना चाह रही है, उड़ना चाह रही है। तो कोई नहीं गाइस, अगर कभी रेस होगी ना तो गाइस इस गाड़ी को मैं जरूर से लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस मैं भी तो देखूँ भाई ऐसी गाड़ी, मतलब 20 साल से लोग उसका वेट कर रहे हैं और गाइस अब आई है, तो सीधी सी बात है इसको अगर रेस में लेके जाऊँगा तो जीतने वाला हूँ। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर इस गाड़ी को भगाते हैं सीधा गाइस से अपने घर के लिए निकलते हैं। सो गाइस लेट्स गो, हम पहुँचने वाले सीधा गाइस अपने घर के लिए। ओ भाई सब क्या ही मैंने कट मारा है भाई, बच गया अभी, नहीं तो सही में उस गाड़ी को भी उड़ा देता मैं। तो कोई नहीं, कैसे यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी को जल्द से गैरेज में खड़ी कर देते हैं। तो कोई ओ बड़े आराम से मैं इसको जो गैरेज में खड़ा करता हूँ, गैरेज भैया ओपन हो जाइए। ओके यहाँ पर ओपन हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ कैसे इस गैरेज का लॉक लगाते हैं और बाहर तरफ एक दो सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ी करवाते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ पता नहीं है यहाँ पर कब के मारे कब जो है कोई ना कोई अटैक करके ले जाए इस गाड़ी को। वैसे भी कैसे हर किसी की नज़र जो है ना इसी गाड़ी पर है, बट कोई नहीं मैं सोच रहा हूँ कैसे थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कैसे अब उसके बाद मैं सीधा अपने शोरूम के लिए निकलूँगा, क्योंकि सर बैनी मेरे को कॉल करके बुला रहा था। बट कोई नहीं कैसे यहाँ पर अमांडा ट्रेसी की देखी तरफ है भाई, मुझे लग रहा बाहरी तरफ होंगे। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, गाइस यहाँ पर तो मैं सो ही गया था और मेरे को टाइम का भी कुछ पता नहीं चला है। अब भी गाइस मेरे पास अंडरवाटर माफी को लिए और गाइस अंडरवाटर माफी मेरे को जो है तुरंत तुरंत अपने शोरूम के अंदर बुला रहा है। अंडरवाटर माफी बोले जैसे जैसे मेरी लोकेशन पर आ जाओ। अब गाइस अंडरवाटर माफी को ये नहीं पता है, मेरे को पता चल चुका है गाइस उसने जो है एक शोरूम भी खरीद लिया है। बट कोई नहीं, यहाँ पर जैसे आके तो निकलते हैं और गाइस यहाँ पर अंडरवाटर माफी किस लिए बुला रहा है वो भी गाइस इतनी रात को एक बार चल के देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर जो है अपने निंजा S2 को उठाते हैं और यहाँ पर भाई पूरा रात रखी है और भाई कैसे स्टार फॉल हो रखा भाई, पता नहीं कैसे क्या सीन है। बट उन्हें बस चल के देख लेते हैं आज भाई साहब इतनी उजाला कैसे भाई, रात में भी गजर काफी उजाला हो रखा है जो काफी बढ़िया बात है। एक बार चल के देख लेते हैं गजर, मेरे को जो कुछ गलत सीन लग रहा है गजर। एक बार गजर मुझे पक्का पता है सिम्यून इम्यून का कुछ सीन होगा, क्योंकि गजर सिम्यून ने पहले ही बोल दिया था। अब गजर एक बार चल के देख लेते हैं गजर, अगर सिम्यून ने कुछ करा होगा अंडर वाटर हुआ भाई, मैं सही बता रहा हूँ सिम्यून को गजर मैंने तबला बजा दूंगा सर का। एक तो गजर इतने कम बाल बच रहे हैं, ऊपर से गजर जितने बच रहे ना उनका भी गजर मैं जो है ना रहना मुश्किल कर दूंगा। सो के जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, सो गजर यहाँ पर बाइक को भगा दो सीधा गजर जो है अंडर वाटर माफी के शोरूम पहुंचने वाला हूँ। अब गजर आधी रात को अंडर वाटर माफी ने मेरे कॉल कर बुलाया और ये क्या चल रहा है, एक सेकंड तुम्हारी भैंस क्या, ओ भाई यहाँ पर जो जल से कवर पर लगाता हूँ और एक चल के रहा भाई गजर मेरे को तो कुछ आईडी नहीं, एक सेकंड। तो गजर यहाँ पर जो है मेरे को लग रहा है यहाँ पर ग्रीन गैंग के बंदे तुम्हारी ऐसी की तैसी, बेटा बजा कर रख दो एक सेकंड के अंदर। भाई साहब यहाँ पर अंडर वाटर माफी के ऊपर ये गोली चला रहे हैं पर सारे की सारी गाड़ियाँ भाई साहब ब्लास्ट कर दी है। गजरी सिम्यून ही काम है गजर, यहाँ पर सिम्यून ने पहले कहा था भाई साहब एक सेकंड तुम्हारी ऐसी की अंडर वाटर माफी देखे लोग अगर अंडर वाटर माफी रहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर जो है मैं आ चुका हूँ तुम्हारी ऐसी की तैसी। बेटा ग्रीन गैंग बेटा जहाँ से आई हो ना भाई भाग जाओ, नहीं तो सही में तुम्हारा सबका टकला फाड़ दूंगा। आ जा और तो कोई नहीं है ना बेटा, यहाँ पर जो है मैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। जैसे आग की तरफ ने काफी सारे बंदे आ रखे और अंडर वाटर माफी तो फुल चौड़ में लड़ रहा है भाई, मैं बिल्कुल चौड़ में नहीं लड़ा, तेरी ऐसी तैसे निकल यहाँ से गंजो टकलो सबका सर फाड़ दूंगा। मुझे पता है लमार की गैंग है और फ्रैंकलिन की गैंग है, लेकिन गजर यहाँ पर अंडर वाटर माफी के ऊपर अटैक करी है। अब गजर अंडर वाटर माफी ने मेरे पास इसलिए कॉल कर दी भाई, आधी रात को ये अटैक कर रही है भाई, ये जरूर से मुझे पक्का पता है गजर ये सिम्यून के काम है, क्योंकि गजर सिम्यून ने पहले कहा था कि जब तक ये जो बंदा है मतलब अंडर वाटर माफिया है यहाँ पर खाली नहीं करेगा ना ये शोरूम, तब गजर ये अटैक कर देगा। और सिम्यून ने भाई अटैक करवा भी दिया है इसकी ऐसी सिम्यून का, मैं सही में सर फाड़ूंगा एक सिग्नेशन। तो एक बंदे रहा ये भी गजर फाइनली जा चुका है, बेटा जैसी मारा ऐसी मारा, उठने की कोई जरूरत नहीं है। एक बंदे रहा बेटा तेरी ऐसी, बेटा एक सेकंड रुक जा तेरे तो भाई साहब ले लंगूर कहीं के, एक सेकंड निकल यहाँ से। वो कैसे इसमें जो है मैंने कहा गन बजा दिए हैं और तो कोई ना, बाकी आ जाओ बेटा, जो जितने चौड़े हो रहे हैं तुम जितनी तुम्हारी पूरी ब्राद ने बेटा ग्रीन गैंग मिटा दूंगा। मुझे पता है लमार और फ्रेंक तुम्हारी गैंग के मेंबर है, लेकिन क्या सर अब ये ना मेरे को अंडर वाटर माफी को जैक करके बचाना पड़ेगा। वो भाई भाई आधी रात हो रखी है भाई, मुश्किल से टाइम कितना हो रहा है यार, भाई साहब 3 बज रहे सुबह के, तुम्हारी भैंस क्या रात के सुबह 3 बजे भाई अटैक करवाया है भाई, सिम्यून ही पीटेगा। बट कोई नहीं गाइस अभी ना मैं अंडर वाटर माफी को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला गाइस, ये जो काम है ना सिम्यून का है, अगर मैंने बता दिया ना तो गाइस यहाँ पर काफी तगड़ी लड़ाई होने वाली है। यहाँ पर जल्द से अंडर वाटर माफी को बुलाता हूँ, अंडर वाटर माफी जल्द आ जा। और भाई साहब अंदर की तरफ भी गाइस गाड़ी जो है वो ब्लास्ट कर दी है। ओ एक सेकंड गाइस यहाँ पर आप लोग देखो भाई गाड़ियों का भाई क्या ही हालत बना दिया है। अंडर वाटर माफी ये सोच रहा था यहाँ पर थोड़ा बहुत बिजनेस करके अपना पैसा कमा लेगा, लेकिन गाइस ये सिम्यून ने पता नहीं इसको क्या ही चुल मच रही है भाई, अंडर वाटर माफिया कहीं पर भी खोले इसको क्या चिड़े भाई। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर ना मैं सोच रहा हूँ सिम्यून के शोरूम में अटैक कर दूँ क्या, सामने की तरफ भी गाइस सिम्यून का शोरूम है, बट छोड़ दें
एक सेकंड तो कोई नहीं, यहाँ पर जैसे बाहर तरफ निकलते हैं और कहते हैं यहाँ पर अंडर वाटर माफिया जैसे बात करनी पड़ेगी। अंडर वाटर माफिया को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कुछ भी, तो कोई नहीं कहा अंडर वाटर ओके यहाँ पर अंडर वाटर माफिया आ चुका है। अंडर वाटर माफिया जैसे इधर की तरफ आया यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रीन गैंग के बंदे मारे जा चुके हैं। बट कोई ये सिम्योन ने कहा इधर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, तो कोई नहीं कहा यहाँ पर मैं निकल तेरी ऐसे क्या ही करना चाह रही हो, मेरी बाइक किधर की तरफ थी भाई, मेरी बाइक की क्या हालत कर रखी भाई, फेंक वैक रखी है। तो कोई अंडर वाटर माफिया तो आकर बैठेगा क्या, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलते हैं जल्द से। अंडर वाटर माफिया यार अंडर वाटर माफिया कहीं पर मत जाए भाई, मैं कहते यहाँ पर अपनी बाइक को जैसे लगाता हूँ और यहाँ पर जो अंडर ओ भाई भाई एक सेकंड मेरी बाइक कैसे गिर रही है भाई, मैं तुम्हारी बहन क्या भाई इतना भी ज़्यादा कमजोर नहीं हूँ भाई, यहाँ पर अब ये ना अपनी बाइक खड़ी पता नहीं कहते कैसे गिर रही थी, अपने आप फिसल गिर जा रही थी। तो कोई नहीं कहते यहाँ पर अंडर वाटर माफिया से बात करनी पड़ेगी और मैं पूछूँ अंडर वाटर माफिया से कि कैसे तूने जो है ये शोरूम कब कब मैं ओपन कर लिया है। कैसे यहाँ पर मेरी अंडर वाटर माफिया से बात हो चुकी है, अंडर वाटर माफिया ने तो साफ बोल दिया है कि अगर तुम ये जो गैंग के बंदे इनको जानते हो तो मेरे को जल्द से बता दो, अगर नहीं बताओगे ना तो यहाँ पर जो अंडर वाटर माफिया गैजर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सीन कर देगा। और गैजर जिसने भी अटैक करवाया नहीं अंडर वाटर माफिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोल रहा है आरपीजी लेके जाऊँगा और गैजर उसके मत्थे पे बजा दूँगा। अब गैजर यहाँ पर मैंने अंडर वाटर माफिया से बोल दिया है कि भाई साहब थोड़ी ठंड रख यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब गैजर सिम्योन के साथ कुछ तो करना पड़ेगा। अब गैजर यहाँ पर मैंने अंडर वाटर माफिया को बिल्कुल भी नहीं बताया गैजर ये जो काम है सिम्योन का है, भाई सिम्योन भी अपना अच्छा खासा दोस्त है, उससे भी गैजर हमको थोड़ा बहुत काम पड़ता रहता है और अंडर वाटर माफिया तो भाई साहब अपना जिगर का छल्ला यार, अंडर वाटर माफिया को कैसे छोड़ सकते हैं। अब गैजर यहाँ पर देखना पड़ेगा गैजर यहाँ पर क्या करना चाहिए, गैजर आप लोग मेरे को बताना गैजर सिम्योन के साथ क्या करना चाहिए। और अंडर वाटर माफिया गैजर ये बोल रहा है कि वो जो शोरूम है ना बिल्कुल भी खाली नहीं करने वाला है, अपना एक बार अगर इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है वो गैजर चलने वाला है। अब गैजर देखने वाली ये बात है क्या पता सिम्योन जी दोबारा से गैजर ग्रीन गैंग के बंदों को ना भिजवा दे, इसलिए गैजर मैंने अंडर वाटर माफिया से बोल दिया है कि तू यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े करवा दे, भाई मैं बार बार तो आने वाले नहीं हूँ, एक बार ही मैंने हेल्प कर दी वो ही काफी है। तो गैजर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना गैजर सिम्योन के साथ क्या करना चाहिए। अंडर वाटर माफिया को तो गैजर किसी ने हाथ लगाया तो भाई साहब हाथ ही उखाड़ जाएगा, बट गैजर ये जो टकल है ना गैजर इसके अंदर कुछ ज्यादा जोश चढ़ रहा है, कुछ ज्यादा चुल चढ़ रही है, भाई साहब खुद का बिजनेस चल नहीं रहा है तो दूसरों के बिजनेस में टांग अड़ा रहा है भाई, पता नहीं क्या सीन है। तो चलो गैजर आई थिंक आज छोटे के लिए बस इतना है, ब्रो को अच्छी लगी अच्छी लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब लेना, मैं मिलता हूँ उसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down.